खुशामदीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल बन रही है। आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल। मूंग की दाल ज़्यादा लेंगे और मसूर की धुली हुई दाल थोड़ी लेंगे। बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाली है। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मोबाइल उठाएँ और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दें क्लिक, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। बहुत शुक्रिया। ये दोनों दालों को मिक्स करेंगे और इसको वॉश कर लेंगे। ले ली मैंने और इसके अंदर मैंने मूंग और मसूर की दाल डाल दी। ठीक है, बहुत ही मज़े की बनने वाली ये दाल आप पकाएँ। डाल दी तकरीबन पानी हम इतना डालेंगे कि दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तकरीबन ये आधा किलो के करीब दाल है, मूंग की दाल और मसूर की दाल। मसूर की दाल जाएगी इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून हल्दी चली गई इसमें, से 5 अदद साबुत लाल मिर्च चली गई, नमक चला गया हाफ टी स्पून और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। ये और ये आटे की दाल बहुत ही टेस्टी और यमी होती है। इसको अब ढक देंगे हम आधे घंटे के बाद। दाल जो है हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है और आपस में मिक्स भी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है। इसके अंदर अब हम हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डालते हैं। पैन ले लिया है, उसमें मैंने लहसुन डाल दिया बारीक कटा हुआ। बहुत ही मज़े का तड़का लगने वाला है और इसको अब गोल्डन होने देंगे। दाल के अंदर हमने हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ डाल दिया और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें कहा था, ये मैं साबुत स्लाइस में कटी हुई डालूँगी इसमें 2। और ये नमकीन दाल है, बड़ी मज़ेदार बनती है। ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा। स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, वो डाल दिया मैंने और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर दिए और इसमें एक नाइस सा तड़का, हमारा गोल्डन हो चुका है और बहुत ही नाइस सा तड़का लग रहा है। मैंने एक हांडी में से जो है वो कढ़ाई के अंदर मैंने दाल डाल दी है, क्योंकि मैंने इसको डिश आउट करके दिखाना था। बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई है, उसके अंदर मैं आपको दाल दिखाऊंगी कि मैं इसको अंदर किस तरह तड़का लगाती हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी से जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट मोबाइल उठाएँ और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। साथ ही हमने ज़ीरा डाल दिया इसमें और ज़ीरे को भी हम ज़रा गोल्डन होने देंगे। मैंने एक बहुत ही प्यारी सी नाइस सी कढ़ाई के अंदर डाल दिया और इसको लग गया नाइस सा। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। कितनी नाइस सी दाल हमारी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।